शिखलिना कॉलेज ग्राउंड खाते मैयावंशी विकास मंच द्वारा आयोजित टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल में वागरेज गामनी फ्रेंड्स 11 चैम्पियन बनी हती। मैयावंशी विकास मंच शिखली तालुका द्वारा समाज ना युवा क्रिकेटरों ने प्रोत्साहित करवा माटे दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण शिखली कॉलेज ना ग्राउंड खाते तेनी क्रिकेट टूर्नामेंट नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ टूर्नामेंटमां चिकली पंथकनी आसपासनी 8 जेटली टीमोए भाग लीधो हतो, जेनी फाइनल फ्रेंड्स 11 वागरेज अने अंबाजी 11 वच्चे रमाई हती, जेमां फ्रेंड्स 11 चैम्पियन बनी हती। आ टूर्नामेंटना समापन समारोहमां मुंबईना किरणभाई चौकीदारना हस्ते चैम्पियन अने रनर्सअप टीमने ट्रॉफी एनायत करवामां आवी हती, ज्यारे समापन समारोहमां राज्यकक्षानो महात्मा फुले श्रेष्ठ पत्रकारनो एवोर्ड मेळवनार दमण गंगा टाइम्सना पत्रकार ज्योतिन्द्र छोवालानुं सन्मान करी अने प्रशंसा पत्र एनायत करवामां आव्यो हतो। आ कार्यक्रममां मैयावंशी विकास मंचना मेनेजिंग ट्रस्टी मनहरभाई पटेल तथा MVM ना चिखली तालुकाना प्रमुख तुषारभाई राठौर सहितना हद्देदारो उपस्थित रह्या हता। आज रोज अमारा नवसारी जिल्ला मंच परिवार वती चिखली तालुकामां चिखली तालुका मंच परिवारे सतत 6 वखत शैक्षणिक हेतु माटे अने युवाधनने प्रोत्साहित करवा माटे क्रिकेट टूर्नामेंटनुं आयोजन कर्युं हतुं। एमां अमारा दमण, सेलवास, वापी, वलसाड ने ठेठ सूरत सुधीना तमाम ट्रस्टी उपस्थित रह्या हता ने युवाधनने प्रोत्साहित कर्युं। आज रोज अमारा मायावंशी समाजना एक पत्रकार ज्योतिनभाई ने पण छोवाला ने पण राज्य कक्षानो जे एवोर्ड मळ्यो छे एना माटे अमे प्रोत्साहित कर्या छे, अमने अभिनंदन अने शुभेच्छा आपी सन्मान कर्युं छे। हुं समग्र मायावंशी समाजना तमाम युवाधनने आ रीते आगळ आवीने समाजनुं नाम रोशन करवा माटे शुभेच्छाओ पाठवुं छुं। वखतो वखत चिखली तालुका मंच परिवार द्वारा युवानोने प्रोत्साहित करवा माटे आवुं जे आयोजन थाय छे ए तमाम टीमने पण हुं अभिनंदन अने शुभकामनाओ पाठवुं छुं। जय हिंद, जय मायावंशी। कई टीमोए भाग लीधो अने कई टीम चैम्पियन बनी? आज रोज 8 जेटली टीमोए भाग लीधो हतो, एमां वागरेज टीम जे छे ए विन चैम्पियन थई छे अने अमारी अंबाजी ग्रुप छे रनर्स अप रही छे। खूब उत्साहपूर्वक आनंदपूर्वक अमारा किरण चौकीदार परिवार तरफथी सतत એમને ટ્રોફીઓ આપવામાં આવી છે અને આ ચીખલી મંચ પરિવારે પણ ટ્રોફીથી એમને સન્માનિત કર્યા છે, એ તમામનો પણ હું ખૂબ દિલપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું।